टिहरी में चार धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर डीएम सोनिका ने अधिकारियों की बैठक ली और यात्रा तैयारियों की समीक्षा भी की, जिसमें क्षेत्र के अधिकारी मौजूद रहे। डीएम ने खासतौर पर पीडब्ल्यूडी विभाग को यात्रा मार्ग ठीक करने और जल संस्थान को यात्रा मार्गों पर पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। वहीं डीएम का कहना है कि सभी विभागों को उनका काम बांट दिया गया है और चार धाम यात्रा में आने वाली यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए भी जरूरी सुविधाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दे दिए जा चुके हैं। जहां रोड्स में गड्ढे हैं या रोड के प्रोटेक्शन वर्क्स की जरूरत है, वहां पे तत्काल उसको करवा लिया जाए, जिससे कि यात्रा में लोगों को परेशानी ना हो। प्लस बाकी जो भी हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो खाद्य आपूर्ति हो गया या जल संस्थान हो गया, हाइड्रल हो गया, नगर पालिकाओं में पार्किंग हो गई या हेलीपैड्स जो हमें जरूरत पड़ती है कभी कभी, उनकी देख रेख हो गई, उन सबके लिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, संवाद 365।